हेलो दोस्तों, आज बताएंगे कि जैसे मोदी जैकेट है या फिर फेस कोट है, ये देखो दोस्तों इतना आर्मोल से इतना बाहर जा रहा है। देख लीजिए आप, इस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए आप, इतना कम करना है ये, यहाँ से साइडों से इतना कम कर देंगे तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। ये कैसे करेंगे देख लीजिए, इसको एट बॉटम पे करना है। एट बॉटम क्या होता है दोस्तों, जो जेब पॉकेट के नीचे, जैसे जेब के नीचे से हमको दबाना होता है, उसको एट बॉटम कहते हैं। ये देख लीजिए, मैं इसमें निशान लगा रहा हूँ, आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नीचे से अगर फैलता है तो हमको एट बॉटम कर लेना चाहिए। हमारा जो वेस्ट कोट या कोट कोई भी है तो उसकी फिटिंग नीचे से फैलेगा नहीं, वो फिटिंग में प्रॉपर आ जाएगा। ये एट बॉटम होते दोस्तों, देख लीजिए, मैंने बाहर से निशान लगा कर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इस तरह से बाहर से हम निशान लगा रहा हूँ। इसको अंदर से सिलाई लगाऊंगा, अंदर से ये आर्मोल के नीचे से खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों टेलर टैक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन कर लें दोस्तों, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की हेल्प हो सके दोस्तों इस वीडियो से, इस माध्यम से ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारे माताएं बहनें या हमारे भाई लोग घर में ही कोट की फिटिंग कर सकें और पैसे बचा सकें दोस्तों। आराम से बाहर अगर आप इसकी ऑल्ट्रेशन करेंगे तो 1500 रुपये तो आपके लग ही जाएंगे। तो अगर आप घर में कर सकते हैं आराम से इस वीडियो के माध्यम से, तो आपके पैसे बच सकते हैं दोस्तों, मनी सेव हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इस तरह से मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देखते जाना। मैं इस तरह से मैंने अब अंदर से भी निशान लगा दिया, अब देख लीजिए दोस्तों कि पॉकेट के नीचे से किस तरह से निशान लगाते हैं। यहाँ पर एक तरफ से निशान लगाऊंगा दोस्तों मैं, क्योंकि डबल तरफ से निशान नहीं लगेगा, बाहर से तो मैं डबल तरफ से इसलिए लगाया था, वो जहाँ पर सिलाई लगाई थी, जहाँ से सिलाई लगी हुई थी उसके डबल तरफ से मैंने निशान लगाए थे दोस्तों। तो यहाँ पर एक तरफ से निशान लगाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने एक ही तरफ से इसी तरफ से सिलाई लगाऊंगा तो डबल तरफ से सिलाई लग जाएगी। यानी कि हमको देखिए दोस्तों, हाफ हाफ इंच यानी कि एक इंच हमको ये दबा देना है, एक इंच यहाँ से नीचे एट बॉटम कर देना है, एक इंच ऊपर आर्मोल दबा देना है। तो हमारा जो बाहर को फैल रहा था आर्मोल के नीचे जो बाहर जा रहा था कपड़ा, तो वो अंदर को हो जाएगा, और नीचे जो फैल रहा था उसको एट बॉटम कर देंगे तो वो भी फैलना बंद हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो बेस कोट है या हमारा कोट है वो हमारी फिटिंग में प्रॉपर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से मैंने देख लीजिए दोस्तों निशान लगा दिए आपके सामने, प्रॉपरली निशान लगा दिए, और मैं अब इसको प्रॉपरली खोल रहा हूँ, और वीडियो फास्ट भी करेगी दोस्तों इसलिए, क्योंकि आपको समझ में भी आ जाए और वीडियो भी छोटी बने, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट भी कर लिया। इस तरह से मैंने सारा निशान लगा दिए दोस्तों आपके सामने, देख लीजिए अंदर अस्तर में भी निशान लगा दिए दोस्तों, क्योंकि आपको समझ में आ जाए अस्तर भी दबाना होता है अंदर से उतना ही जितना एट बॉटम करना होता है। देखने वाली बात तो एंड तक वीडियो में बने रहें दोस्तों, आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। मशीन में आ गया दोस्तों मैं, देख लीजिए आप, इसको सिलाई लगा दूंगा मैं उसी हिसाब से, आप देख लीजिए, आप आराम से घर में कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और शेयर करेंगे तो हमारे माताएँ बहनें उनको भी बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों इस वीडियो का। तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। इस तरह से दोस्तों हमारा आ चुका है, देख लीजिए मैंने सिलाई लगा चुका हूँ, अब इसको मैं खोल लूँगा। सिलाई खोलना बहुत ध्यान से है दोस्तों, मेन चीज़ तो यह है। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, और प्रेस किस तरह करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए वीडियो की ये कैसे होता है। जैसे मोदी जैकेट होती है जो दोस्तों, बेस कोट, मोदी जैकेट या नेहरू जैकेट कह लीजिए, नेहरू जैकेट, और इस तरह से जो हमारे ये हाफ जैकेट होती है, हाफ जैकेट, तो उसको अगर नीचे से फैल रहा उसको एट बॉटम का लेना होता है, और ऊपर से आर्मोल से नीचे, आर्मोल के नीचे से इधर बढ़ रहा है तो उसको दबा लेनी चाहिए। इस तरह से आसन भी दबा लिया मैंने दोस्तों, ये भी दबा लिया, आप देखते जाइए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको बेनिफिट मिल सके इस वीडियो से। तो इस तरह से मैंने दोस्तों दबा लिया है प्रॉपरली, ये देख लीजिए, आपको भी वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आपका फ़ायदा हो सकता है, और जो जो आदमी देख सकते हैं इसको वहाँ तक चले जाए तो बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों हमारे भाई लोगों को, बहन लोगों को, ताकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे, हेल्पफुल हो जाए। इसी तरह से हम कोट ब्लेजर और वेस्ट कोट
मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट, हाफ जैकेट, बच्चों वाली जैकेट, बड़ों वाली जैकेट, सबकी फिटिंग सेम कर सकते हैं दोस्तों। हम ऐसे हम घर में ही दबा सकते हैं इसको आराम से। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देख लीजिए दोस्तों मैंने दबा दिया है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो तो लंबी बननी बननी है दोस्तों। इसकी अभी प्रेस की किस तरह से इसको प्रेस करेंगे हम, किस तरह से इसकी मतलब इसमें क्रीज ना बने और प्रॉपरली फिटिंग आ जाए, तो उस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अस्तर भी दबा लिया, देख लीजिए, और उसके ऊपर से सेम टू सेम सिलाई भी लगानी होती है, क्योंकि जो हमने खोल रखा है उसको सिलाई भी तो हम प्रॉपर लगाएंगे। इस तरह से दोस्तों हमने सिलाई खोल रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद उसको प्रेस करूँगा दोस्तों अभी, क्योंकि अंदर ऐसे ही छोड़ देंगे तो मुड़ जाएगा कपड़ा, अंदर से बाहर से अटपटा लगेगा, क्योंकि कहीं पर ऊँचा कहीं पर नीचा है, यानी कि प्रॉपरली उसको हम कर लेंगे तो बहुत बेस्ट बेस्ट रह हो जाएगा दोस्तों हमारा ये। तो दोस्तों अब वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि वीडियो का फ़ायदा आप ले सकें और लोगों को भी मिल सके। अगर आप भी कोट पैंट की फिटिंग करना चाहते हैं तो चैनल में ज़रूर विजिट करें, या चैनल में विजिट ना करें तो मुझे कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, एक मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। और साथ ही क्या है, आपको मैं उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। अगर कोई नई तरह से ऑल्टरेशन कोट पैंट की अटपटा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से क्या कर इसको फिटिंग करना है, तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो बना कर भेज दूंगा ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके दोस्तों। इस तरह से दोस्तों मैं कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ, खोल भी रहा हूँ, और इसका बेनिफिट आपको मिल सके दोस्तों। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके हेल्पफुल हो सके ये वीडियो, ताकि नई नई वीडियो की आपको मिल सके। इसमें इस चैनल के अंदर दोस्तों ज़्यादातर कटिंग और फिटिंग की ही वीडियो है, कटिंग की वीडियो तो कम है, फिटिंग की वीडियो है, क्योंकि हमारे जो आजकल जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, हम रेडीमेड कपड़े ही ज़्यादा लेते हैं लोग, तो उसकी फिटिंग बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि वो अलग साइज़ से बने होते हैं और ये जो हमारा साइज़ जो होता है वो अलग होता है दोस्तों। इस तरह से ये हमको फिटिंग करने ज़रूरी होते हैं, तभी हमको अच्छे लगेंगे पहनने में, तो हम उसको आराम से घर में पहन सकते हैं दोस्तों फिटिंग करने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से हम फिटिंग करने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे, देखिए किस तरह से हम प्रेस करेंगे, वो आप एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब प्रॉपरली आप देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने गद्दी रखी है अंदर से, और जो सिलाई कर रखी है, जो मैंने खोल रखा है, उसको प्रॉपरली हम प्रेस कर लेंगे अंदर से भी, फिर बाहर से करेंगे दोस्तों। और घर में ही अगर करते हैं तो पैसे हमारे अनिवार्य बचते हैं दोस्तों, मनी सेव होती है, तो हम इसको घर में आराम से कर सकते हैं। हमारे बहनें लोग कर सकते हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी सिलाई आती है वो घर में कर सकता है दोस्तों। हमारे माताएं बहनें सिलाई करती हैं दोस्तों, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो वो अपने बच्चों के अपने घर के जो छोटा मोटा ऑल्टरेशन होता है वो आराम से कर सकते हैं। ये इसको टेलर ही नहीं, घर में इस वीडियो से के माध्यम से घर में आराम से देख के कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने प्रेस कर दी दोस्तों, देख लीजिए प्रॉपर आ चुका है, प्रॉपर मैंने नीचे से भी प्रेस कर दी, ऊपर से भी आपको देख लीजिए ये किस तरह से मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले का इसमें मैंने जो मार्कर का निशान था वो पहले दिख रहा है आपको, मैंने दिखाया था। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या करना है, इस तरह से सेटिंग कर लेनी है इसकी, और इसमें हल्का सा कॉटन का कपड़ा रखेंगे दोस्तों। ये बहुत अनिवार्य है दोस्तों कि हम कॉटन का कपड़ा रख के ही हम प्रेस करेंगे, तो हमारा कपड़ा चिपकेगा भी नहीं, और प्रेस एकदम तेज हीट में नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा कपड़ा चिपके ना। तो इस तरह से ये देखिए दोस्तों किस तरह से आ गया, फर्स्ट क्लास फिटिंग आ चुकी है इसका, राउंड एट बॉटम हो चुका है। देखिए दोस्तों ये होता है एट बॉटम दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अगर पैंट नैरो करना चाहते हैं, पैंट की फिटिंग करना चाहते हैं, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको उस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। जैसे पैंट नैरो करने, आपका आसन लंबा है तो आसन को छोटा कैसे करें दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आसन को छोटा कर सकते हैं, और थाई टाइट कैसे कर सकते हैं, थाई ओपन कैसे कर सकते हैं, आसन ओपन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कपड़ों में मार्जिन होता है अंदर से दोस्तों। इस तरह से हम फिटिंग कर सकते हैं, और कोट को ओपन कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो भी है दोस्तों, और जींस को कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं जींस वगैरह, तो टी शर्ट को फिटिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वो भी इस चैनल के अंदर हैं। आप वीडियो ज़रूर देखें ताकि वो वीडियो देख के आपको
आप अपने घर में कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें मेरे को। अगर यहाँ तक कहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर छोड़ दें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप देख लीजिए हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको कैसी लगी वीडियो एक कमेंट तो जल्दी कर देना दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो। भाई लोग अगर स्क्रिप्ट कर भी देखते हैं तो लास्ट पोर्शन जरूर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक क्या आपने देख लिया, इस तरह से हमारे फिनिशिंग आज की जो फैल रहा था दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से कंप्लीट हमारी वीडियो हो चुकी है दोस्तों। कमेंट जरूर कर दें दोस्तों, थैंक यू, शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को।